केंद्र सरकार हो या फिर प्रदेश सरकार, इनके गरीब लोगों के लिए सैकड़ों कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही है, लेकिन बहुत से गरीब लोगों को स्वास्थ्य सुविधाओं का कोई लाभ नहीं मिल पा रहा है। ताज़ा मामला चंबा जिला के स्वामी श्री हरि गिरी अस्पताल का है, जहां पर ऑपरेशन कराने आए युवक का ऑपरेशन तो कर दिया गया, लेकिन जब उसने अस्पताल प्रशासन को स्मार्ट कार्ड दिखाया तो उन्होंने स्मार्ट कार्ड लेने से इनकार कर दिया और 30,000 रुपये पर का बिल उसे थमा दिया, जिसके बाद पीड़ित ने कहा कि सरकार की दर्जनों स्वास्थ्य सेवाएं गरीबों के लिए बनाई गई है, लेकिन अगर वो योजनाएं उन्हें नहीं मिली तो इन योजनाओं का क्या फ़ायदा है। उन्होंने सरकार से आग्रह किया कि उनके लिए ये 30,000 रुपये माफ़ कर दिया जाए ताकि उन्हें कुछ लाभ मिल पाए। कैला गाँव का रहने वाला हूँ मैं। हरिगिरी हॉस्पिटल में गया, ऑपरेशन हुआ, मेरा स्मार्ट कार्ड मेरा था 2015 का, वो नहीं चला तो मैंने 30,000 कहीं से करके तो वहाँ ऑपरेशन कराया अपना। तो स्मार्ट कार्ड का क्या फ़ायदा मेरे को इसमें? सरकार जो मंचों पे भाषण करती है स्मार्ट कार्ड चलेगा, ये होगा वो होगा, तो मेरे तो पैसे लग गए, तो इस स्मार्ट कार्ड का क्या फायदा, मेरे को क्या फायदा हुआ? देश दुनिया अपने प्रदेश की अन्य खबरों के लिए NV News YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।